राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में स्थित अमर कॉलोनी में वेटजिला फैशन की फाउंडर लीना गुप्ता द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता में वेटजिला फैशन से ब्रांड एम्बेसडर निधि बख्शी, सेलिब्रिटी गेस्ट गगन शर्मा, चेतना गुप्ता, डिज़ाइनर चित्रा शर्मा, गरिमा रीमा सहित कई लोग उपस्थित रहे, जिसमें उन्होंने बताया कि आगामी 9 जनवरी को दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और साथ ही कैलेंडर लॉन्च भी किया जाएगा। इस कैलेंडर में वेटजिला फैशन की पूरी टीम ने अपना भरपूर योगदान दिया है। इस कैलेंडर में सभी प्रतिभागी बॉलीवुड लुक में नजर आएंगे। इस प्रेस वार्ता में सभी गणमान्य अतिथियों में आने वाले कार्यक्रम और कैलेंडर लॉन्च के बारे में जानकारी दी गई और आयोजन में आए सभी गणमान्य अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। अब हम जो करने जा रहे हैं नया, पहला तो एक तो हम लोग कैलेंडर लॉन्च कर रहे हैं 2022 का, जिसका थीम है बॉलीवुड, और वो हम लोग कर रहे हैं, मेल और फीमेल्स दोनों हैं उसके अंदर। और उसमें हमारा जो मेन थीम क्या है कि कोई भी एक, जैसे कोई भी एक गेटअप होगा बॉलीवुड एक्टर का, एक्ट्रेसेस का, तो उसके उसको सेम आउटफिट में, सेम उसमें हम लोग उसका शूट कर रहे हैं और साथ में इसका वॉक भी रहेगा। तो ये हमारे साथ बैठी हैं निधि बख्शी, जो मेरी ब्रांड एम्बेसडर हैं, शो के बारे में ये बताएंगी कि वेटजिला 9 जनवरी को लेकर आ रहा है बिजनेस एंड आर्ट अवार्ड्स, और इसमें सेलिब्रिटी गेस्ट हैं पद्मश्री पनाज मसानी, तो हम खुद बहुत एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए। और इसके साथ ही जैसे कैलेंडर की बात हुई है, तो कैलेंडर लॉन्च उस दिन है, कैलेंडर शूट हम पहले ही कर रहे हैं दिसंबर में, और इसका लॉन्च हम उस दिन कर रहे हैं, साथ में इसकी वॉक है। और एक हमने कैलेंडर किया था शकुंतला, जो कि बहुत ही हिट हुआ था, उसी की तर्ज पर हम एक शकुंतला वॉक भी लेकर आ रहे हैं। आई एम रीमा वर्मा, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट एंड पीआर एम्बेसडर ऑफ वेटजिला फैशन। और मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि हम नए नए मेकअप आर्टिस्ट को लाते हैं, उनका स्केल बढ़ाते हैं ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए और वो आगे बढ़ते जाए। थैंक यू लीना जी कि आपने मुझे बहुत ऑनर करा अपनी कंपनी के लिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसके लिए, थैंक यू सो मच। जिसकी कोरियोग्राफी है शकुंतला की, वो कर रहे हैं मिस्टर विजय कुमार, ये हमारे साथ 6 साल से हैं और ये मेरे हर शो में कोरियोग्राफी एंड जो भी कोरियोग्राफी रहती है वो यही करते हैं। तो ये शकुंतला के बारे में इन्होंने बहुत कुछ अच्छा सोचा है, तो ये बताएंगे। इस बार का जो हमारा शो है वो एक तो बिजनेस एंड आर्ट अवार्ड है, साथ में हमारा शकुंतला थीम है, एक शकुंतला हम कैलेंडर कर चुके हैं जो बहुत सक्सेसफुल गया था जैसे निधि जी ने बताया। इसके साथ जो शकुंतला की एक डिफरेंट थीम हम लेके आ रहे हैं, वो जब लोग देखेंगे तो दिल्ली में मतलब ऐसा शकुंतला थीम किसी ने नहीं देखा होगा, उसका कुछ फॉर्मेट डिफरेंट है बेसिकली। सो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें फैशन वॉक भी है और जो है सेलिब्रिटी जो है अवार्ड्स भी हैं। तो बस ये है कि शो जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ एक सेलिब्रिटी जो 9 जनवरी को भी जो हमारे साथ होंगे और इस टाइम भी हमारे साथ हैं, जो 3 times रह चुके हैं मिस्टर दिल्ली एंड 2 times मिस्टर इंडिया। तो ओवर टू गगन शर्मा जी। वेटजिला फैशन, मैं बहुत खुश हूँ जो मेरे को वेटजिला फैशन ने इन्वाइट किया, और मैं नीलम गुप्ता जी और निधि मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इंडिया लेवल बॉडी बिल्डर को कोई नहीं पूछता, पहली बार ऐसा हुआ है जो मैडम ने पूछा है और इसको बहुत अच्छा बढ़ावा दे रही है, तो थैंक यू लीना गुप्ता जी। और अब एक हम नया फेस इंट्रोड्यूस करने वाले हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी कुछ टाइम से इस इंडस्ट्री में आई हैं, और अभी लास्ट टाइम हमने उनको डेब्यूट मॉडल अवार्ड भी दिया था, और उनको हम इस बार वेटजिला फेस बना, ब्रांड फेस बना रहे हैं 2022 का। तो गरिमा जी हैं, गरिमा जी प्लीज़ वेलकम। गरिमा इन आवर फैमिली, वेलकम गरिमा। तो कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास वेटजिला के बारे। मैं इस इंडस्ट्री में जब भी आई तो आई थिंक लीना मैम को जिस दिन मैं मिली उस दिन इनका एक फैंटेसी थीम पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज था जहाँ काफ़ी सारी मॉडल्स थी। उस दिन से उनको मिलकर तो मतलब उनका कोई भी फ़ैन हो जाता, तो मैं भी हो गई। तो तभी से मैंने डिसाइड करा कि वेटजिला एक बार ज़रूर ज्वाइन करूँगी। आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट हर, फिर मैंने इनका एक इवेंट करा वॉक फॉर कॉज, जहाँ मेरे को बेस्ट डेब्यू मॉडल का अवार्ड मिला। मिलवाना चाहती हूँ जो हैं मिस चेतना, जो कि हमारी 2021 की गुडविल एम्बेसडर भी हैं और विजेता थी मिस वेटजिला। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांटेड टू थैंक मिस लीना गुप्ता एंड हर टीम
to get me associated with them. It was a great pleasure working with all, especially Leena ma'am as well as Nidhi ji. इनको मतलब फेस ही ऐसा है कि कौन मार्केट में नहीं जानता. और जो हमारा शो 9 जनवरी में को आने वाला है पिनाज मसानी जी के साथ, वो कोई भी शो जो होता है बिना स्पॉन्सर्स के एक इनकम्प्लीट रहता है. तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ काफ़ी अच्छे ब्रांड्स जुड़े हुए हैं जो कि हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं. उनमें बिग ब्रांड्स हैं सारे. पहला है प्राइमा जो कि सिक्योरिटी के ऊपर डिवाइस बनाता है. उनके मास्क और उनकी शील्ड जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं. दूसरा हमारा हो गया नैमको. नैमको टी हर्बल टीज हैं और इसके अंदर उनके फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है. और मैं बोलूँगी कि हर किसी को उसको ट्राई करना चाहिए चाय को, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी उसको ट्राई कर चुकी हूँ और जितनी भी ग्रीन टी पीती हूँ ना यही पीती हूँ. फिर हमारे साथ एक हैं जो हमारी बेलेजा मेकओवर हैं, जो हमारी मेकअप पार्टनर हैं. फिर हमारे साथ खादी से हैं, खादी से हमारे हैं इजी सेफ खादी जो कि वो भी हमारे स्पॉन्सर हैं. हमारे पतंजलि नूडल्स हैं और जो दिव्य जल है पतंजलि से वो हैं. और साथ में पचोली वेलनेस क्लिनिक है और विम वाओ डिज़ाइनर वेयर है जो कि हमारी ऑफिशियल डिज़ाइनर हैं और वो भी काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में फैशन डिज़ाइनिंग में और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन करती हैं. मैं बोलना चाहूँगी कि उनको भी लोग ट्राई करें, उनसे चीज़ें करवाएं. जयन फाउंडेशन, रतन फाउंडेशन ये भी हमारे साथ हैं. तो इन सब का हार्दिक धन्यवाद. और बाकी मेरी आशा है कि अभी हमारे साथ स्पॉन्सर बहुत सारे जुड़ने वाले हैं. और अब मैं आप लोगों से मिलवाने वाली हूँ जो हमारी डिज़ाइनर पिछले हमारे इवेंट में भी थी 3 अक्टूबर को भी, और काफ़ी अच्छी ड्रेसेस बनाती हैं. और उन्होंने हमारे लिए भी उस दिन डिज़ाइन किए थे 3 अक्टूबर को, हमने उन्हीं की ड्रेसेस पहने थे. और वो हैं विम वाओ से चित्रा शर्मा जो कि काफ़ी अच्छी डिज़ाइनर हैं. और मैं जो है इनके साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और मैं काफ़ी टाइप्स की ड्रेसेस बनाती हूँ, डिज़ाइनर ड्रेसेस, ऑल टाइप ड्रेसेस मैं डिज़ाइन करती हूँ. और मैं को इसमें कम से कम हो गए 7-8 साल हो गए मुझे. वो बॉलीवुड डिज़ाइंस में रिलेटेड होंगे, उसमें हम हर तरह की अलग अलग बॉलीवुड एक्ट्रेस के डिज़ाइंस कर रहे हैं. जैसे कोई किसी एक्टर के डिज़ाइंस की आएगी, कोई किसी वो बॉलीवुड डिज़ाइंस में रिलेटेड होंगे, उसमें हम हर तरह की अलग अलग बॉलीवुड एक्ट्रेस के डिज़ाइंस कर रहे हैं. जैसे कोई किसी एक्टर के डिज़ाइंस की आएगी, कोई किसी और मैं गुजारिश करूंगी जितने भी मॉडल्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ करना है सीरियसली, अगर जो सीरियस वे में जुड़ना चाहते हैं वो ज़रूर करें. जो आगे जाना चाहते हैं, ये नहीं कि बस आए हमने एक दो इवेंट किया और उसके बाद हम कुछ कर जाएंगे, नहीं. उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है. पेशेंस आप रखिए, मॉडल्स आएँ हमारे साथ ज्वाइन करें और मैं उनसे वादा करती हूँ कि मैं उनको हाथ पकड़ के आगे ले जाऊँगी. और अब मैं आपसे को मिलवाने वाली हूँ कि हमारी जो शकुंतला थीम की शो स्टॉपर रहेंगी मिस सानिया. और ये काफ़ी क्राउन्स वगैरह विन कर चुकी हैं, बहुत अच्छी मॉडल हैं और काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं. इनके साथ मैं पिछले बैट जिला शो में काम कर चुकी हूँ और मैं एक्टर्स एंड फैशन शोज काफ़ी करती हूँ. तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को वैट जिला में इनवाइट किया एज ए फर्स्ट टॉपर. अब आगे मैं शकुंतला में थीम में काम करने जा रही हूँ. थैंक यू मैम. ब्यूरो रिपोर्ट, द डेली ट्यूजडे न्यूज़.